थाना ओछा क्षेत्र में बीते दो दिन से लापता एक व्यक्ति का शव घर से कुछ ही दूर स्थित पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। पूरी घटना थाना ओछा क्षेत्र के ग्राम नसीरपुर से जुड़ी है। यहां के रहने वाले 35 वर्षीय अनुराग पुत्र कृषिपाल, जो कि 14 मई से घर से लापता थे, 15 मई को परिजनों की ओर से उनकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी और आखिरकार 17 मई के दिन घर से कुछ ही दूरी स्थित एक पेड़ में उनका शव लटका मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वही घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया और शव को परिजनों को सौंप दिया। वही पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उनका नाम क्या है? अनुराग सिंह। कहाँ के रहने वाले? नसीरपुर। थाना कौन सा लगता है? पहुंचा। कैसे, क्या घटना हुई है? ये घर से लैटिंग करने निकले सुबह। कितनी तारीख को? 14। फिर ये बाद इनसे लापता है। रिपोर्ट वगैरह की थी आपने? हाँ, ओछा थाने में। कितनी तारीख को की थी? ये 15 को। अच्छा, अभी जो इनका सब मिला, कहाँ मिला है और किस स्थिति मिला है? नाले पे मिला है। नाले मिला या किसी नाले पेड़ पे? शीशम के पेड़ पे लटका हुआ। अच्छा, कहाँ पे मिला है वो? किस जगह मिला है? कौन सा एरिया? बड़े हार बोलते हैं। बड़े यार, कहाँ पड़ता है ये? नाले के पास में। नहीं नहीं, कौन सा जगह पड़ता है वो? इस सिटी कौन सी है? क्या गांव? नसीरपुर। वहीं का है? हाँ। आप लोगों को कितने बजे पता चला? हमको 6:30 बजे के बीच पता चला। कल शाम को या सुबह? कल शाम को। पुलिस की धूप मालूम पड़ा था या कैसे मालूम पड़ा? हमें अपनी जरिया मालूम पड़ा। हाँ।